हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन चल रहा था, तो उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसलिए आता है क्योंकि ये पेपर्स में हर साल आपको मिलता है, ठीक है, मिल जाता है हर साल। आज ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं कि क्वेश्चन में है क्या बात। तो मैं आपको प्रूफ वाली बात, 1/3 अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन जी अंडर रूट 1 प्लस एच अपॉन ए की पावर कितना 3/2 माइनस 1। तो ये आपको इतना प्रूफ करना होगा। तो क्वेश्चन में देखो, इसने बोला है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद द वेलोसिटी जस्ट सफिशेंट टू कैरी इट टू द इन्फाइनाइटी। तो सफिशेंट कैरी टू इन्फाइनाइट, प्रूव दैट द टाइम इट्स टेक टू रीच अ हाइट ऑफ एच, तो दिस इतना, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो मेरी बात को समझना, डायग्राम पहले आपको डायग्राम सिखाते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपका अर्थ है, ये पॉइंट है, जैसा आपको सॉल्यूशन कराते आ रहे हैं उसी टाइप से करेंगे। ये आपका सरफेस है, ठीक है सरफेस, ये आपका रेडियस होगा ए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी एच, ठीक है। कोई पॉइंट होगा पी, जहाँ पे काम कर रहा है मी ओपन एक्स उसका के फॉर्म में, मी ओपन एक्स उसका। तो मैंने आपको बताया सरफेस पर यहाँ काम करेगा डी टू एक्स के ऊपर, डी टू उसका की जो वैल्यू काम करेगी माइनस का जी काम करेगी एंड एक्स की वैल्यू काम करेगी ए। तो इसने बोला है कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी जस्ट सफिशियंट टू कैरी इट टू द इन्फाइनाइट। तो वाई बी इक्वल टू जीरो है, एक्स की वैल्यू क्या होगी इन्फाइनाइट। तो यहाँ अगर मैं बात कर ले कोई पॉइंट सी, ठीक है सी अगर पॉइंट यहाँ काम कर लेता हो तो उसी का जो काम होगा ना वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच निकल के आ जाएगा ना आएगा। तो इसको हम मान लेंगे बी बात की बात है, तो भाई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है अब सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते चलेंगे। आइए मेरी बात को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन देखते हैं भाई, लैंग्वेज लिखनी है तो देखो कुछ नहीं लिखना, पूरा पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मा है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लैंग्वेज इसमें से लिख देता हूँ, सरफेस ऑफ अर्थ विद द वेलोसिटी sufficient to carry its to infinitely, infinitely तक की लिखनी है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात आ गई समझ में, infinity velocity b, ठीक है velocity तो b। अब मेरी बात को समझ, let the particle फ्रॉम द रेस्ट एंड ओ, ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी आपका इन्फाइनाइट फॉर्म में है, ओके तो आइए बात करते हैं। ओ इज द, ये तो आपको बिल्कुल सेम लिखना है, फिक्स्ड पॉइंट, ओ बी इज द फिक्स्ड पॉइंट। अब ये बात को समझना, लेट द मोशंस, अरे मोशन नहीं, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ पी, तो डी टू एक्स ओवर डी टू इसका कितना होगा माइनस के मी अपॉन एक्स उसका के फॉर्म, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मी ले लो के ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, डी टू एक्स ओवर डी टू इसका इजकल टू इतना फॉर्म द सरफेस, सरफेस सरफेस को क्या होगा डी टू एक्स ओवर डी टू इसका की वैल्यू क्या होगी भाई माइनस के जी एंड एक्स क्या होगा ए, रख दीजिए। तो माइनस का जी इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कटा तो म्यू की वैल्यू कितनी जी ए स्क्वायर, तो म्यू आपका इतना मिल गया। तो डी टू एक्स ओवर डी टू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, बोलिए जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी।
आइए यहाँ से इससे आगे सॉल्यूशंस करते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल प्रूफ होके यही आएगा। आइए देखते हैं इसे। डी टू एक्स ओवर डी टी उसके आगे बढ़ कितनी होगी? हाँ एक मिनट, माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए टू डी एक्स ओवर डी टी की, जैसे ही हम करते आ रहे हैं, माइनस टू जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किया मैंने, तो डी एक्स ओवर डी टी का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, टू जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस कोई कौन सी वन आ गया। बट इनिशियली एट द पॉइंट बी पर, तो भाई बी पर क्या होगा, एक्स इन्फिनिटी एंड बी क्या है, जीरो। तो सी वन क्या फाइंड हो गया, जीरो। सी वन जब फाइंड हुआ जीरो, तो डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर कितना मिला मुझे, टू जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स मिल गया फाइंड होकर। कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए आगे चलते हैं। एक लाइन लिखनी होगी, मैं आपको उसे बता देता हूँ लाइन क्या लिखनी होगी, मेरी बात को समझना। इसने बोला है कि जब प्रोजेक्टली अपवर्ड की बारे में बात कर रहा है, टू अपवर्ड में बात कर रहा है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वेलोसिटी अब क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी ना। तो डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, टू जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स। तो डी एक्स ओवर डी टी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा भाई, टू जी ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। ये पॉजिटिव ही रहेगा जब टुवर्ड की बात कर रहा है वेलोसिटी। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताया ना, इसके अकॉर्डिंग ही तो चल रही है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे अगर लिखना चाहो देखो फिर से वही लिखना है आपको। क्या लिखना है मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखना है इसको, देखो ये लिखना है, यही लिखना है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी इट्स टू द इनफाइनाइट। यही बात आपको लाइन यहाँ फिर से लिखनी होगी, उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है। बात मेरी समझ रहे हो, इस लाइन से सॉल्यूशन पहले आपको ये लाइन आपको क्वेश्चंस की लिखनी होगी फिर से, उसके बाद फिर से इसको काम को करना है। आइए डी एक्स ओवर डी टी हम आके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, मेरी बात को समझना। तो डी टी इज इक्वल टू कितना मिला मुझे भाई, डी टी क्या हुआ, वन अपॉन अंडर रूट टू जी, चलो ए बाहर, इंटीग्रल कहाँ, रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट द टाइम t1 टाइम कहाँ से कहाँ तक कंज्यूम करेगा उस टाइम को देखना है। t1 टाइम a टू, वहाँ हमने पहले अभी क्वेश्चंस में क्या, a टू अब c काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो भाई इनफाइनाइट हो गया, उसे थोड़ा सा नीचे पॉइंट्स पे ले लेते हैं, हाँ वहाँ पर ये काम करेगा इसको। ठीक है, ए टू सी, तो क्या होगा, जीरो से टी वन का टाइम एंड डी टी, आपको टाइम ही तो निकाल रहा है, जीरो से टी वन इंटू डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन ए अंडर रूट ऑफ टी जी। क्या ए टू, ए पर काम, ए पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, बी सी पर कितनी वैल्यू, ए प्लस एच, तो ए से कितना, ए प्लस एच इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मेरी बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। द टाइम इज टी वन फ्रॉम दिस ए टू बी, ए से सी तक के लिए। ठीक है, तो दिस आपका इतना निकल गया, तो टी वन इज इक्वल टू कितना हुआ, वन अपॉन ए अंडर रूट ऑफ टू जी। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, क्या जानते हो भाई, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ए से कितना, ए प्लस एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट सी वन। देखते जाइए खेल को,
3/2। अरे रे रे रे। रुको रुके रुके भाई रुके, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2/3 को बाहर ले लेता हूँ। 2/3 जैसे बाहर लिया तो ए प्लस एच की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2 प्लस कोई सी वन आ गया, ठीक है। तो अब सी वन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट इनिशियली द टाइम टी वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स की वैल्यू या एच, अब यहाँ एच काम कर रहा है ना, तो एच आपका क्या हो जाएगा, एच इज जीरो। तो यहाँ से आपको सी वन क्या मिलेगा, देखो ए की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2, तो सी वन के अंदर मिल गया जीरो मिल गया। तो यहाँ से देखो टी वन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एक मिनट, आ गया बात, बात को मेरी समझना ध्यान से, रुक जाइए भाई रुक जाओ, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। डेफिनेट इनडेफिनेट का बात जानती हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर कॉन्स्टेंट टर्म आती है और डेफिनेट के अंदर नहीं आती। क्यों नहीं आती, उसका रीज़न है, रीज़न ये कि वो लिमिट्स में है। जब आपका लिमिट लग गया ना तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं लेते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो ना ध्यान से, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट मेरे माइंड से निकल गई बात। डेफिनेट इनडेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल्स ए से बी तक की लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, सॉल्व होकर क्या आएगा, एफ ऑफ बी मतलब कैपिटल ले ले, चलो कैपिटल ऑफ एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल ऑफ एफ ऑफ ए। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या आएगा, कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस कोई अदर कॉन्स्टेंट सी। तो ये लिमिट का चक्कर है, लिमिट है तो कॉन्स्टेंट का टर्म का कोई भी चक्कर नहीं, ठीक है। लिमिट ये बस इस फालतू कामों के लिए ही बताना पड़ा मुझे, माइंड से निकल की बात, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स नहीं आनी है, ओके। तो आइए टी वन इज इक्वल टू कितना, 2/3 अंडर रूट ऑफ ए टू जी, तो ए प्लस एच की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। तो देखो क्या आ रहा है, ए बाहर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो मैंने जैसे मैंने ए को बाहर लिया, तो ए के जैसे बाहर लिया तो ए की वैल्यू कितनी हुई, 3/2 बाहर आ गई। तो 3/2 बाहर आई तो 1+h/e की पावर कितना हुआ, 3/2, यहाँ क्या होगा 1। तो ए के से ये पावर कैंसिल आउट होगी, रूट ए बचेगा, इससे ये बचेगा। तो देखो मेरी बात को समझना ध्यान से, 2a/g और 1/3, दिस इज द टी वन इज 1+h/a की पावर कितना, 3/2 -1। क्या ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना भाई, प्रूफ हो गया ना, हैंस प्रूफ। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आप अगर कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि हमारे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, ताकि जिनको पढ़ने की अहमियत पता है कि हाँ हमें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो मैं 99% बोल सकता हूँ, 70 नंबर्स का आपका ये पेपर है। अगर आपको 60 नहीं तो सब लोग की 50+ आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए, अच्छे तरीके से समझ में आए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको पेपर्स में मिलते ही मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।